वेलकम ऑन ई रजिस्ट्रेशन मित्रा। आज हम आपके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी लेके एक नई फॉर्म के साथ, जो हमारे पास बीएसएफ की हमारे पास कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है, जिसमें हमारे पास ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट है और 2700+ इसमें पोस्ट आई हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्ट हैं। और इसके लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसका फुल प्रोसेस आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने गूगल में ये वाली ऑफिशियल साइट आपने ओपन कर लेनी है, rect.bsf.gov.in, ये वाली ऑफिशियल साइट ओपन कर लेनी है। जिसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है आपने, ठीक है। ठीक है, अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो आपने अप्लाई हेयर पर क्लिक करना है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आपने कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है। तो अभी हम नए हैं तो हम अप्लाई हेयर पर क्लिक करेंगे। अप्लाई हेयर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कैंडिडेट नेम आ जाता है, जो फुल नेम डाल देना है अपना, मोबाइल नंबर डाल देना है और ईमेल आईडी डाल देनी है, ठीक है। इस तरह से आपने अपना पर्सनल डेटा फिल कर देना है, अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जनरल ओटीपी पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास ओटीपी जाएगा, सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म खुल के आ जाएगी, जिसमें आपका देखिए यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन था जहाँ पे, वहाँ वेलकम आ गया, आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। और आपने सिंपली अब अप्लाई हेयर पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाएगा यहाँ पे, ये आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप हमारा आइडेंटिटी डिटेल्स में, जिसमें आइडेंटिटी टाइप में आपके पास आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ आता है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो। मैंने आधार कार्ड किया है तो आप आधार कार्ड कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपने अपनी, और एज कैलकुलेट ऑटोमेटिक कर देगा ये। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी है आपने सेलेक्ट करनी है, फादर नेम डालना है, मदर नेम, ठीक है। उसके बाद परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, ये आपके पास ऑप्शनल दिया गया है तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी। आप जेंडर डाल दें, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड हो, मैरिड हो, क्या हो वो डाल सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रिलीजन का आ जाता है, धर्म कौन सा आपका, कैटेगरी जिसको हम श्रेणी बोलेंगे वो कौन सी है, अनरिजर्वड है, एस सी, एस टी, ओ बी सी है, जो भी है आप डाल सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि आप दिव्यांग तो नहीं हो, मतलब आप विकलांग तो नहीं हो किसी कारण, तो आपको यस और नो पे क्लिक कर देना है। और एक्स सर्विस मैन हो तो यस करें, अगर नहीं हो तो नो करें। डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल का मीन्स है कि आप किसी प्रेजेंट टाइम में किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत तो नहीं हो, या स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो अगर आप हो तो स्टेट या सेंटर के हो तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपके पास एड्रेस डिटेल्स आ जाती है, जो आप अपनी परमानेंट एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। ये मैंडेटरी आपको डालना ही पड़ेगा। आप अपने विलेज डाल दें, पोस्ट ऑफिस डाल दें, तहसील डाल दें और डिस्ट्रिक्ट डाल दें, ठीक है। उसके बाद आपके पास पिन कोड का ऑप्शन आ जाता है, आपने पिन कोड अपना फिल कर दें, स्टेट आप चूज़ कर लें, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लें, और विलेज जो है वो आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। पुलिस स्टेशन दिया है यहाँ पे, ये मैंडेटरी नहीं है तो मैंने नहीं भरा है, ठीक है। आप भरना चाहो तो भर सकते हो। अगर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भी आपका सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर चेंज नहीं है तो आप फिल कर सकते हो। उसके बाद आपने सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं, अदर डिटेल जो भी होगी, NCC, ठीक है। हाइट अपनी फिल कर दें, चेस्ट फिल कर दें, वेट फिल कर दें। उसके बाद आपने ये क्रिमिनल केस है तो यस करें, अदरवाइज नो करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अदर डिटेल फिल करने के बाद आपके पास क्वालिफिकेशन की डेट आ जाती, डिटेल्स आ जाती है, ठीक है। आप इसे भी फिल कर सकते हो। इसे फिल करने के लिए आपने क्वालिफिकेशन सिंपली जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। आपने 10th से स्टार्ट करना है, सिक्वेंस वाइज ही आपने जाना है, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी है। फर्स्ट में आपका जो भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका SSC, मैट्रिक, हाई स्कूल, ठीक है। जो भी आपका 10th का रहेगा वो पहले आप 10th का फिल कर लें, उसके बाद 12th का, उसके बाद जो भी आपका डिप्लोमा रहेगा, ग्रेजुएशन रहेगी, PG डिप्लोमा रहेगा, जो भी रहेगा आप उस हिसाब से फिल करोगे, ठीक है। फर्स्ट में आप अपना 10th का डाल दें, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट नंबर डालें,
पासिंग ईयर डालें और अपना राज्य डाल दें, स्टेट डाल दें, उसके बाद आ जाता है बोर्ड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लें आपने। अगर आपने मान लो मैं हिमाचल से हूँ, अगर हिमाचल से अप्लाई कर रहा हूँ तो स्टेट बोर्ड आएगा, जो भी आपका स्टेट का बोर्ड होगा आप स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, और CBSE वगैरह का अगर आपके पास है तो आप उसका डाल सकते हो, ठीक है। मेरा स्टेट बोर्ड का था तो मैं स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, जो इंटरमीडिएट का ऑप्शन है आपके पास। सेम प्रोसेस रहेगा आपका, ये भी आपने सेम उसी तरह ऐड कर देना है। देखिए जो भी आप ऐड करोगे वो आपको नीचे दिखा देगा, ठीक है, जैसे आप ऐड करते जाओगे उस तरह से आपको ये दिखा देगा। और इसको ऐड करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास वर्क एक्सपीरियंस का आ जाता है ऑप्शन। वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करें, अगर नो है, नहीं है तो नो करें, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस के बाद देखिए आपके पास अपलोड फ़ोटोज़ का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोडेड का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करके आपने सिंपली ये अपलोड कर देना है, फ़ोटो साइन और 10th का सर्टिफिकेट, और सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड सेलेक्ट, अब इसके बाद आ जाएगा आपके पास सेलेक्ट पोस्ट। पोस्ट सेलेक्ट करनी है आपने, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए हमारे पास पोस्ट कौन कौन सी है, तो बारबर की है, कारपेंटर की है, कॉबलर की है, कुक की है, ड्राफ्टमैन की है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन की है। किस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपने सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। तो मैंने बारबर के लिए किया है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th है, तो मैंने 10th भी सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इसके लिए हमारे पास मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए, तो हमने ये 1 ईयर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपके फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो ठीक है, बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ गढ़वालीज को, ठीक है, ये है गोरखास, डोगराज, मैराथाज, हिमाचली, जो भी है इसमें आएंगे तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। और जो भी आपने हाइट वेट चेस्ट का आपके आपने रखा होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और डोमिशियल का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। इसका साइज़ आप अच्छे से देख लें, यही साइज़ आपको अपलोड करना पड़ेगा, और सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जो रहेगा वो आपकी फॉर्म फिल होके आ जाएगी, और आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, लास्ट आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्लेस का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आपने प्लेस फिल कर लेना है। उसके बाद आपके पास सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे से आपने सेंटर सेलेक्ट कर लेना है सिंपली, और डिक्लेरेशन पे आपने क्लिक कर देना है, और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास फॉर्म सबमिट होके आ जाएगी, जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।